अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे हम। थोड़ी सी मैंने आप लोगों को उसके कोर्स के बारे में बातें बतानी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ये जो कोर्स है ये कैलकुलस 1 भी इसको कहते हैं, या खाली कैलकुलस के नाम से भी पढ़ाया जाता है। जो बच्चा इंटरमीडिएट से यूनिवर्सिटी में आता है उसको पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर में कोर्स पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के। चाहे आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट करो, इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोई भी आपकी फील्ड हो, आपको ये कोर्स पहले या दूसरे सेमेस्टर में लाजमी पढ़ाया जाता है। एक बहुत ही बेसिक भी कोर्स है मैथ का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स भी है जो मैथ के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग ऑब्वियसली जो कर रहा है उसको पढ़ना जरूरी होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, ये जो कोर्स है ये कहीं कैलकुलस 1 कहते हैं। अच्छा, मैं जो फॉलो करवाऊंगा वो कोई खास यूनिवर्सिटी के आउटलाइन नहीं है जिसको मैं फॉलो करवाऊंगा। वैसे तो मैंने एनडी से ही किया हुआ है, तो एनडी में ये MT114 के नाम से होता है। एनडी यूनिवर्सिटी कराची में है, क्योंकि ओवरऑल आप कहीं से भी देख सकते हो मुझे मेरी वीडियो को। तो मैं बता दूं कि एनडी यूनिवर्सिटी कराची में जो है उसकी आउटलाइन मैं एस एच फॉलो कर रहा हूं, लेकिन वो भी कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहा। जो टॉपिक्स हैं तभी मैंने आउटलाइन आपको लिखवाई नहीं है कि मैं कौन कौन से टॉपिक करवाऊंगा कैलकुलस के अंदर, क्योंकि मैं मजीद ऐड करता जाऊंगा। जो मुझे टॉपिक अच्छे लगेंगे कि यार इस लेवल पे आप लोगों को पढ़ना जरूरी है वो मैं ऐड करता जाऊंगा। जैसे जो कैलकुलस है, ये नाम इसका कैलकुलस है, लेकिन इसमें आप सबसे पहले कैलकुलस नहीं पढ़ रहे होते। आप शुरू के 25 से 30 लेक्चर देखोगे जो कैलकुलस के ऊपर नहीं होंगे, उसको हम प्री कैलकुलस कहते हैं। प्री कैलकुलस में मेनली अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपकी आ रही होती है, क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट से आते हो एक तो रिवीजन की भी आपको जरूरत पड़ती है उन टॉपिक्स की जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़े थे। कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़े थे, क्योंकि मेन मेरा टारगेट जो है वो सिंध बोर्ड के बच्चे हैं और उनका काफी वीक है ये पोर्शन सारा। तो हम प्री कैलकुलस में सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, तो शुरू के 25-30 लेक्चर में आपको कैलकुलस कहीं भी नजर नहीं आएगी, कहीं डेरिवेटिव, कहीं इंटीग्रेशन नहीं होगी, वो ये बेसिक टॉपिक जो है वो कवर हो रहे होंगे। तो अगर आप आउटलाइन देखो, मैं आउटलाइन लगा दूंगा, एनडी की जो होती है आउटलाइन एग्जैक्टली वो फॉलो नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर ऐसे कितने टॉपिक हैं जो लिखे हुए नहीं है लेकिन मैं करवा रहा हूँ। तो इसी तरीके से जो कैलकुलस का पोर्शन है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसमें भी ऐसे कितने टॉपिक्स थ्योरम्स हैं जो मे बी आउटलाइन में ना हो लेकिन मैं उनको ऐड करवाऊंगा। तो ऐसे में किसी यूनिवर्सिटी की आउटलाइन फॉलो नहीं कर रहा, जो इस लेवल पे जहां जहां से मुझे कॉन्टेंट अच्छा मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, मैं आप लोगों को वो करवा दूंगा। तो पहली बात, आउटलाइन तो मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। मेन स्ट्रक्चर जो है वो तो मैंने बता दिया, कैलकुलस का पोर्शन है, प्री कैलकुलस है। मैं थोड़ी देर बाद भी इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो कोर्स करवाने का वजह है ना, वो सिर्फ एक ही वजह है, वो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो कोर्स है काफी मशहूर कोर्स है, खासतौर पे अगर आप उर्दू लैंग्वेज देखो, उर्दू इंडिया पाकिस्तान दोनों में समझी जाती है, तो आपको काफी माशाल्लाह इंडियंस मिल जाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी कैलकुलस पे काम किया हुआ है, बहुत काम किया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, हर चीज सॉल्व हुई है। लेकिन एक चीज की कमी है, और वो ये चीज ये कि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन हर कोई सॉल्व करवा रहा है, लेकिन रीजन जो होती है ना ये बहुत कम ही बताते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। कॉन्सेप्ट पूरा टॉपिक का वो बहुत मिसिंग है, ज्यादातर फोकस क्वेश्चंस पे होता है टीचर्स का भी और बच्चों का भी। तो ये जो पॉइंट है मेरा फोकस होगा, इस पॉइंट को लाजमी एड्रेस करना है। क्वेश्चन सॉल्विंग ऑब्वियसली है, लेकिन इस पॉइंट पे भी इंशाल्लाह काम करना है। जैसे इंटरमीडिएट में मैंने कॉन्सेप्ट देके पढ़ाया आप लोगों को, इसी तरह अंडर ग्रेजुएशन के भी जो भी कोर्सेज होंगे सारे में रीजन होगी, ये नहीं होगा कि बस होता है, क्यों होता है, प्रॉपर रीजन आपको पता चलेगी। अच्छा, थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन देख लो। दो इसके अंदर मेनली सेक्शन है जो हम पढ़ेंगे इस पूरे कैलकुलस के कोर्स में। सबसे पहला सेक्शन होगा प्री कैलकुलस का। प्री कैलकुलस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, 25 से 30 लेक्चर आराम से प्री कैलकुलस के होंगे। प्री कैलकुलस क्या होता है भाई? प्री कैलकुलस कहते हैं वो टॉपिक जो कैलकुलस से पहले सीखना जरूरी है। अगर वो टॉपिक आप नहीं सीखोगे तो कैलकुलस में जाके मसला होगा। तो कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप मेरी जब पूरा कोर्स इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा बाद में जाके आप जस्ट कैलकुलस का देख लो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहां करवाएंगे, नहीं, ये शॉर्टकट है। आपको वो चीजें समझ नहीं आएंगी क्योंकि वो आपने प्री कैलकुलस सही तरह पढ़ी भी नहीं है। प्री कैलकुलस में मेनली टॉपिक्स जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट कर आया, तो आप लोगों को पता होगा सेट का पोर्शन आ जाता है, फंक्शन आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्या कहते हैं, सीक्वेंस सीरीज आप कर लो। अच्छा, इंटरवल आ गए, इनइक्वालिटीज आ गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हल्की फुल्की आ गई, कॉनिक सेक्शन आ गए, ये सब प्री ट्रिग्नोमेट्री आ गई। प्री कैलकुलस में मेनली अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री है। अब अलजेब्रा में डिफरेंट किस्म की अलजेब्रा है ना, लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस इक्वेशंस आ गई। अच्छा, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होती है, उसके अंदर ग्रुप्स की कॉन्सेप्ट आ गए। फिर एक एलिमेंट्री अलजेब्रा होती है, बेसिक मैथ, अरिथमेटिक, ये सब आपने सीखनी है। तो डिफरेंट जो अलजेब्रा है उसको हम कवर करेंगे, वेक्टर्स, मैट्रिसेस, ये सब हैं, बेसिक बेसिक बात पढ़ लेंगे जो आप लोगों के लिए पढ़ना जरूरी है कैलकुलस के लिए। टॉपिक तो खैर बहुत है, लेकिन हम वही टॉपिक बेसिक पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करेंगे कैलकुलस के अंदर, ताकि लेक्चर्स भी मिनिमम रहे और आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो एक तो प्री कैलकुलस का पोर्शन है जो कि स्टार्ट में आपको नजर आएगा, जिसमें कैलकुलस का कोई जिक्र नहीं होगा, तो 25-30 लेक्चर आपके आराम से इसी के ऊपर जा रहे होंगे। दूसरा सेक्शन है वो कैलकुलस का है। उसके अंदर दो ही आपकी कैलकुलस के अंदर मेन चीज होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस।
हाँ, इसके अंदर आपको एक टॉपिक सीखना पड़ता है लिमिट का। लिमिट अगर आप सीखोगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा सही तरीके से। तो ये हम कैलकुलस के अंदर तीन टॉपिक आप इनको कह लो ये हम कवर कर रहे होंगे। बाकी जितने आउटलाइन है जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड होते जाएंगे, तो मुझे नहीं पता आगे जाए क्या पढ़ाने। नोट्स मेरे पास बने हुए, लेकिन ये प्री कैलकुलस के नोट्स बनाए हुए मैंने, मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि वो कैलकुलस के अभी बने नहीं है फिलहाल नोट, तो मुझे नहीं पता कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर होंगे। तो इंशाल्लाह आगे जाता जाएगा आप लोगों को बात समझ आती जाएगी। अच्छा, जो बुक्स आमतौर बच्चों का सवाल होता है, सर बुक्स आप कौन सी फॉलो करवाएंगे, तो एक बहुत ही मशहूर बुक है और काफी इजी भी है समझने के लिए अगर आप खुद बुक पढ़ना चाहो, वो है थॉमस कैलकुलस। तो मैं ऐसे कोई बुक फॉलो करवाऊंगा नहीं, मैं पहले से क्लियर करता हूँ, मुझे जो टॉपिक जहां से समझ आएगा मैं वहां से पढ़ाऊंगा। अगर किसी टीचर के नोट्स में मुझे कोई अच्छी एग्जाम्पल लगेगी, कोई अच्छा टॉपिक लगेगा, मैं वो उठा के पढ़ा दूंगा। तो ऐसे तो मैं कोई बुक फॉलो नहीं करवा रहा, तो ये नहीं सोच रहा कि सर किस बुक से करवा रहे हैं क्या करना है। तो आप लोगों का काम ये कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सीखो, बाकी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जो आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है, जो भी बुक फॉलो, देखो नॉर्मली लेवल पे 3-4 बुक्स ही फॉलो करवाई जाती है। तो थॉमस कैलकुलस कर लेंगे, या कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय थॉमस एंड फिनी ये कर लेंगे, या पाकिस्तान में मैंने देखा SM यूसुफ की बुक भी पढ़ाई जाती है, और बस ज्यादातर एंटन की बुक पढ़ा देंगे आपको, हॉवर्ड एंटन की। तो ये बेसिक यही बुक्स हैं, लेकिन अगर आपने मैं देखो ऑलमोस्ट टॉपिक सब में सेम ही है, लेकिन ये जो मैं टॉपिक्स करवा रहा हूँ सब आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, आपको ये सब बुक का मिक्सचर्स है। तो बेहतर है ये समझना कि कौन सी बुक से सर करवा रहे हैं, इस पर फोकस ना करो, जो मैं करवा रहा हूँ उस पर फोकस करो। हाँ, बाकी आप ओवरऑल कोई भी बुक सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं किसी स्पेसिफिक बुक को फॉलो नहीं कर रहा। हाँ, अगर रिकमेंड करो तो मैं कहूंगा थॉमस कैलकुलस पढ़ लो, वो इस पढ़ने के लिए भी ईजी है, थोड़ी समझने के लिए भी है और कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छे हैं, लेकिन स्टिल उसमें भी आपको जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का पोर्शन नहीं मिलेगा, आगे जाए कुछ शायद मिसिंग हो उसके अंदर चीजें, लेकिन अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। 11th एडिशन उसका आसानी से आप लोगों को गूगल पे मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मैनुअल भी आपको मिल जाएगा 11th एडिशन का। तो अगर पढ़ना चाहो तो वही पढ़ लो, मैं ओवरऑल किसी बुक को ऐसे फॉलो नहीं करवाऊंगा। अच्छा, उसके बाद इस कोर्स के स्टार्ट में मैं आप लोगों की बातें बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई मिस्टेक नजर आए, क्योंकि भाई हम इंसान है, कुछ भी हो सकता है, लेक्चर्स बना रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक तो तरीका ये होता है ना कि आप बोर्ड में पूरा लिख दूं, प्रॉपर हर चीज वेरीफाई कर लूं कि यार ये टॉपिक था, वो टॉपिक था, फलाना एग्जाम्पल, हर चीज आंसर मैच कर लूं, तो भी मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अब मैं अगर साथ सॉल्व करवाऊंगा तो मिस्टेक हो सकती है, कोई करेक्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई स्टूडेंट्स नहीं है मेरे सामने, तो कोई मिस्टेक हो तो लाजमी आप लोग मेंशन करो। शक भी हो तो मेंशन कर दो कि सर लग रहा है कि हमें मिस्टेक है, तो मैं देख लूंगा, अगर गलत होगा तो मैं ठीक कर दूंगा। बाकी अपनी तरफ से मैंने कोशिश की भी है कि प्रॉपर मैं ये सब लिखे हुए मैंने कि क्या पॉइंट पहले बताना है, क्या चीज मिस ना हो, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके, ताकि आप लोगों को इशू ना हो कोई। अगर कोई टॉपिक आप पढ़ने लगो तो स्टार्टिंग से 3-4 पॉइंट जो है वो आहिस्ता 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 क्लियर होंगे, तो ओवरऑल पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने लेक्चर्स की काफी अच्छी की हुई है 12, तो कोई हो तो आप लोग बता देना। और आखिरी बात ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसो तो व्हाट्सएप नंबर तो मैंने दिया हुआ है आपको, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे भी आपको व्हाट्सएप नंबर अभी आ रहा होगा, लेकिन मैं पहले क्लियर कर दूं जवाब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ये समझ लो 0.05% जवाब मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी फिलहाल तो, और आगे जाके भी ऑब्वियसली, क्योंकि लेक्चर्स पहले पढ़ना, ऑब्वियसली आपको पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट देखने पड़ते हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि एंगल से मुझे बात समझानी है, उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करना कि क्या पॉइंट मुझे पहले बताना है, एग्जांपल्स ढूंढना, आंसर वेरीफाई करना, उसके फिर वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, अपलोड करना, हर चीज खुद करनी है। इसी तरह फिर मास्टर चल रहा है, थीसिस के मसले हैं, फिर और भी आपके आ जाते हैं, तो काफी इशू हो रहे होते हैं। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जवाब दे दूंगा, नहीं मिला तो मैं ही कहूंगा कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कुछ अर्से बाद मैं कैलकुलस का कोर्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाया करूंगा, 10-15 स्टूडेंट्स को पिक करके उनको पढ़ाया करूंगा, उनको सही तरीके से जो भी उनके जवाब होंगे मतलब प्रॉपर उनको पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने कोई ऑनलाइन क्लास पर्सनली स्टार्ट नहीं की कैलकुलस की कि जो जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस मैं हल करवाऊं, तो फिलहाल तो अभी यही ऑप्शन है कि यूट्यूब पे आप लोग पढ़ रहे होंगे, और अगर कोई सवाल हो तो अपने टीचर जो भी आपके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के होंगे उनसे आप पूछ लेना, या मुझसे भी पूछ लेना, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। तो अगर नहीं जवाब मिले तो फिर गुस्सा नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, टाइम नहीं होगा। और आखिरी चीज भाई यही है कि ज्यादा शेयर करना, जितने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के दोस्त हैं, ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, सब उसमें शेयर करना, ताकि मेजोरिटी को वीडियोस पहुंच जाए, उनका भला हो जाए। तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम बकायदा टॉपिक जो प्री कैलकुलस है बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, जब हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह उसके बाद हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। कोई सवाल हो तो पूछ लेना लाजमी। अल्लाह हाफिज़।